गुलेरिया पुलिस ने हत्या में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को रहरवा सरैया नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजेश साहनी पुत्र छोटेलाल बनगाई थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा सजन साहनी पुत्र परिखन निवासीगढ़ बनगाई थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, तीसरा रवि पुत्र रामगति भुज निवासी झुगिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक अवैध पिस्टल दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि साहब राम सज्जन के कहने पर हमने अजय राम सज्जन रवि के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर राजेश साहनी पुत्र स्वर्गीय सोहित साहनी से दिनांक 3 जून को समय करीब 8:30 बजे का रहा होगा उससे बात की कि तुम लोग क्यों गाली गुत्ता देते हो। इसी पर अजय साहनी व राम सज्जन ललकारने लगे कि आज साला मिल गया है, इसको जाने मत दो, आज इसको जान से मारकर खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग मिलकर राजेश साहनी को मारने पीटने लगे कि शोर सुनकर उसका भतीजा धनंजय पुत्र राम नरेश भी आ गया और हम लोगों से भिड़ गया और अजय साहनी को उठाकर पटक दिया। तब तक हम लोग अपने को घिरा देखकर राम सज्जन को ललकारे कि असलहा काहे लिए रखे हो, इन सालों को गोली मार दो, जिससे राम सज्जन ने पिस्टल निकाल कर धनंजय के सीने पर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। तब तक वहां पर अफरा तफरी मच गया, हम लोग भी वहां से जान बचाकर भाग गए तथा अजय साहनी को गांव के लोगों ने पकड़ लिया और मारे पीटे, जिससे अजय साहनी को भी चोटें लगी। बाद में पता चला कि दवा इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाते समय धनंजय की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी उमेश कुमार वाजपेयी, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित राय, उप निरीक्षक सुदेश कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, हरिंद्र सिंह, राजू यादव, दयाशंकर यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, थाना गुलेरिया विवाद गाली गुस्सा देकर शुरू हुआ था। धनंजय राजेश साहनी को बीच में बचाने के लिए आया था, तो ये 3-4 लोग साथ में थे, उन्होंने एक में जिसने राजेश साहनी और दो अन्य लोग थे तो मारपीट कर रहे थे, उनको बताया कि आप असला लेके क्यों खड़े हो, जब ये नीचे गिरा दिया, एक व्यक्ति को पीट रहे थे तो उसका असला निकालियो, गिरफ्तार किया गया। उनमें से 3 यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों एक को पुलिस लोगों ने वहीं पर पकड़ा और पीटा था, उसकी पुलिस अभी सामने उसका इलाज चल रहा है। जनपद गोरखपुर में अपराधियों एवं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गुलेरिया थाना में 3 जून की रात को एक व्यक्ति धनंजय की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसका सफल अनावरण गुलेरिया पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें मृतक धनंजय को गोली मारने वाले व्यक्ति एवं 3 अन्य व्यक्ति जिसने असला सप्लाई किया था और जो मौके पर मौजूद थे मारपीट करने में भी, उन सबको पकड़कर पुलिस ने हत्या के मुकदमे का सफल अनावरण किया है। हत्या का मुख्य कारण शुरुआत गाली गुप्ता देने से हुई, जो इसके पड़ोस में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में गाली गलौज शुरू होने के बाद में धनंजय बीच बचाव करने के लिए आया राजेश साहनी का, उसमें फिर 2 लोग जिन्होंने ललकारा राम समझ को ललकारा कि आप असला है फिर लेके क्यों खड़े हैं आप, तो उसको ललकारने पर उसने असले से पुलिस फायर किया उस पर और उससे उसकी हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इन सब लोगों का बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक इतिहास है सजन साहनी का, जिसके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज है। इसमें आबकारी अधिनियम एवं 307 एवं 7CLA जैसे मुकदमे दर्ज हैं। एक दूसरा अभियुक्त है अजय साहनी, उसके ऊपर हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे दर्ज हैं। रवि उर्फ राहुल, इसके ऊपर 7CLA जैसे संगीन अपराधों मुकदमे दर्ज हैं। चारों अच्छे खासे अपराधी हैं एवं
जिस व्यक्ति के पास से पिस्टल बरामद हुआ है उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल जो 9 mm बोर की पिस्टल उसने एक आजीवन सजा याफ्ता जो अभी गोरखपुर जेल के अंदर आजीवन कारावास की जेल काट रहा है उसे 45,000 रुपये में इसने खरीदी थी एवं उसके खिलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी।